हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि 3ds Max में किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप लॉक कैसे कर सकते हो, इसकी हमें बहुत नीड पड़ती है। और हम क्या क्या यूज करते हो और एक्चुअल में हमें यूज क्या करना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है कि मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर में, आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लॉक कर देना चाहते हो, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फ्रीज कर देते हैं सिलेक्शन को। ठीक है, अब फ्रीज करने से क्या होता है कि ना तो आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे, ना इसके ऊपर मटीरियल अप्लाई कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आपको ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इस तरीके से दिखने वाला है। तो फ्रीज ना करके हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, तो हम इसे अनफ्रीज करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और आप थर्ड नंबर पे, यहाँ पे हायरार्की आता है, इस पे क्लिक करो और आप चले जाओ। देखो यहाँ पे लिंक इन्फो है, ठीक है, इसमें लॉक्स के ऑप्शन है, तीन ऑप्शंस मिलेंगे, मूव, रोटेट एंड स्केल। आप किसी भी चीज को लॉक कर सकते हो। मान लो मैं चाहता हूं कि इसको मैं एक्स डायरेक्शन में मूव ना कर पाऊं, तो आप एक्स को लॉक कर दो, तो आप इसको एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएंगे, बट वाई में कर पाएंगे या जेड में कर पाएंगे, या आपने वाई जेड को भी ऑन कर दिया लॉक को, तो आप किसी भी डायरेक्शन में आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ऐसे ही इन रोटेशन, अगर आपने एक्स वाई जेड की रोटेशन ऑफ कर दी, तो अगर आप रोटेशन डालते हो तो रोटेट नहीं कर पाओगे। क्लियर है? बट स्केल पे लॉक नहीं है, तो आप स्केल कर पाओगे ऑब्जेक्ट को। अगर आपने स्केल को भी लॉक कर दिया तीनों एक्सिस पे, तो आप किसी एक्सिस पे स्केल को लॉक नहीं कर पाओगे। एक एक्सिस से हटाया तो उस पर्टिकुलर एक्सिस में ही आप उसको स्केल कर सकते हो। तो ये चीज आपका बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आप अब इस पे मटेरियल भी लगा सकते हो, लॉक लगा के कुछ भी कर सकते हो। बस आपको ये है कि फ्रीज की तरह ये लॉक नहीं, उस तरीके से लॉक नहीं होगा कि फ्रीज ही हो गया कि आप इसे मूव भी नहीं कर पाए। आप पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में लॉक को अप्लाई कर सकते हो और उसको वहां से हटा सकते हैं। तो ये चीज आप अपने ड्राइंग में अगर यूज करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो आपकी यहाँ पे सॉल्व होने वाली है। तो ये था आज की वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे रिलेटेड मैं वीडियोस डालता रहता हूँ। मेरी ऐप पे जाएं, दीपक वर्मा के नाम से एंड्रॉयड ऐप है, और आईफोन यूजर है तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करें और ODIM में मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज कर सकते हैं। वहां पे आप देखेंगे काफी सारे कोर्सेज है जो आप परचेज कर सकते हैं, और जो अपकमिंग कोर्स है वो है ऑटोकैड 3ds मैक्स वीरे, ऑटोकैड एंड रेविट आर्किटेक्चर, एंड आपका डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइन बेसिक स्टार्ट होने वाला है। इसकी डिटेल आपको ऐप से मिल जाएगी, वरना आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी मेरे को व्हाट्सएप करके इनकी डिटेल्स को पा सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।